हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपने टेरेस गार्डन पर भिंडी लगाया हुआ है या अपने किचन गार्डन में भिंडी लगाया हुआ है तो उसकी पूरी देखभाल कैसे करना है और उसमें ज़्यादा फल कैसे पाने हैं, ज़्यादा सब्जियाँ कैसे पानी हैं और कीटों का मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी कि कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएँगे आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको भिंडी लगाने के बाद सबसे पहली जो आपकी संघर्ष होती है वो ये होता है कि आपको अपने भिंडी के पौधों को इल्लियों से बचाना होता है। इसमें वैसे तो बहुत ज़्यादा कीड़े नहीं पड़ते हैं और कुछ ऐसे सकिंग पेस्ट वगैरह कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन इल्लियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं और इल्लियाँ ऐसे पत्ते खा जाती हैं, ग्रास हॉपर खा जाते हैं, तो इनसे बचाना है। लेकिन बीज डालने से पहले आपको क्या करना है ये पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जब आप भिंडी का बीज लगाने वाले हों तो उसके एक दिन पहले उस जगह को, उस ज़मीन को गीला कर दें और गीला करके उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक DAP डाल दें। और अगर आप घर पर उगा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक खाद वगैरह का ही प्रयोग करें। तो आप ऑर्गेनिक DAP डाल दें। ऑर्गेनिक DAP डालने के बाद उसे 12 घंटे के लिए कम से कम छोड़ दें, उसके बाद उसमें बीज डालें। भिंडी का बीज जर्मिनेट होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लेता है, ये लगभग 7 से 8 दिन ले लेता है और इस बीच आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, बस वेट करना है कि आपकी बीज जर्मिनेट हो जाए। जर्मिनेट होने के बाद इसका ग्रोथ का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, इस बीच आपको बस ध्यान रखना है वाटर मैनेजमेंट का, कि आपकी आपके जो बीज हैं वो पानी के अभाव में ना मरें और जो सैपलिंग्स हैं वो पानी के अभाव में ना मरें और बहुत ज़्यादा पानी होने से भी सड़ने से ना मरें। तो ये आपको मैनेजमेंट देखना है। फिर इसके बाद जब आपका भिंडी का पौधा लगभग 1 महीने का हो जाता है तो आपको इसमें खाद देना है सुपर सोनाटा। सुपर सोनाटा की फ़ोटो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लगभग 2 ml पर लीटर ले लेना है और आपको हर हफ्ते इस पर स्प्रे करना है। इससे आपके प्लांट को न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, इसके अलावा इसमें जो कीड़े लग रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े लग रहे हैं जैसे थ्रिप्स वगैरह कभी कभार लगते हैं या छोटे छोटे सकिंग पेस्ट लगते हैं, उनको ये दूर करेगा। इसके बाद आपको हफ्ते में या 10 दिन में एक बार इस पर क्लोरोसाइपर का इंसेक्टिसाइड जो है वो स्प्रे करना है। अगर क्लोरोसाइपर नहीं मिल रहा है तो आप इमिडा क्लोरोपिड ले लीजिए 1 ml और 1 ml ले लीजिए क्लोरपायरीफॉस और उसे 1 लीटर पानी में घोल करके अपने पौधे पे स्प्रे कीजिए ताकि आपका पौधा इल्लियों से बचा रहे, क्योंकि जब इसमें इल्लियाँ लग जाएंगी तो आपका पौधा ख़राब होने लगेगा, इल्लियाँ आपके फलों को, आपके पौधे को खाना शुरू कर देंगी। इसके बाद दोस्तों, अब आपको इसकी फ्रूटिंग पे फोकस करना है। तो जैसा मैंने बताया कि आप सुपर सोनाटा यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने ढेर सारे इस पे फल लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। तो सुपर सोनाटा से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक पोटास ले लीजिए और उसके साथ ले लीजिए सागरिका का जाइम ग्रेन्यूल। लिक्विड भी ले सकते हैं लेकिन आप ग्रेन्यूलर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करके और अपने प्लांट के पास जड़ों में, मिट्टी में डाल के और इसको पानी दे दें, पानी अच्छी तरह से दें ताकि जो आप दे रहे हैं खाद वो सीधे इसके जड़ों के साथ अंदर पहुंचे। और ये थोड़े ऑर्गेनिक पोटास और जो आपका सागरिका है वो घुल जाता है और फिर आपका प्लांट उसे अवशोषित कर लेता है। इसके अलावा अगर आपको सुपर सोनाटा नहीं मिल रहा है तो आप एम्बिशन भी ले सकते हैं। बस यही हल्का फुल्का मैनेजमेंट है। तो चलिए हम अब अपने भिंडियों की तुड़ाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हमने ज़रूरत भर की सब्जियां तोड़ ली हैं, बाकी की सब्जियां जो थोड़ी छोटी छोटी हैं अभी उन्हें रहने दिया है ताकि वो बड़ी हो जाएं, उसके बाद हम हार्वेस्ट करेंगे। अगर मैं इस पे फलों का दिखाऊं तो देखिए कितनी सब्जियां लगी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कितनी ढेर सारी सब्जियाँ। हर प्लांट में आप देख रहे होंगे कि सारा प्लांट सब्जियों से भरा हुआ है। और इसमें हमने एक काम और किया है कि इसके नीचे की जितनी पत्तियाँ थीं वो हमने काट दी हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है ताकि नीचे से आपका प्लांट जो है जंगल ना बने और अब उन पत्तियों की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी होती है प्लांट को।
तो उसे काटना ज़रूरी होता है ताकि ज़्यादा इंसेक्ट ना आए। और तो आप भी उसे काटते रहिए और बस इन्हीं थोड़ी सी चीज़ों को फॉलो कीजिए और ढेरों सब्जियां अपने घर पे प्राप्त कीजिए। शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।